हमारी सगाई के बाद हमने खूब सारे झगड़े किए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की खूब कोशिश की, लेकिन उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैं वैसे ही बनना चाहूं जैसे कि तुमने कहा। और उससे हम दोनों इस कंक्लूजन तक पहुंचे, दोस्तों क्या आप जानते हैं टाइगर 3 के बाद सलमान खान की कौन सी मूवी सबसे पहले देखने को मिलेगी? अभी हाल ही में इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां दोस्तों, सुनने को मिल रहा है कि टाइगर 3 एक्शन मूवी के बाद सलमान खान एक और एंटरटेनमेंट फैमिली ड्रामा फिल्म लेकर आने वाले हैं और इस फिल्म का नाम होने वाला है प्रेम की शादी। लेकिन दोस्तों अभी सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग में लगे हुए हैं और सुनने को मिल रहा है कि ये फिल्म सलमान खान की सभी फिल्मों से काफी अलग होने वाली है और ये फिल्म सलमान खान के सभी फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। लेकिन अब सलमान खान अपने फैंस के लिए फुल टू फुल एंटरटेनमेंट फैमिली ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म का अनाउंसमेंट भी बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब जाके इस फिल्म को लेकर कुछ खबरें सामने आई हैं। वही फिल्म की स्टोरी तो हमें ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगी और फिल्म को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे इस फिल्म को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन बहुत ही जल्द हमें इस फिल्म को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के कास्टिंग की तो इस फिल्म के लीड रोल में हमें सलमान खान ही देखने को मिलेंगे, लेकिन फिल्म के बाकी कास्टिंग को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। वहीं दोस्तों सुनने को तो मिल रहा है कि फिल्म में हमें हीरोइन के रोल में परिणीति चोपड़ा देखने को मिलने वाली हैं। और दोस्तों बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक सूरत भरजाटिया के डायरेक्शन में बनाई जाएगा। इससे पहले दोस्तों सलमान खान और सूरत भरजाटिया काफी बड़ी फिल्में दे चुके हैं और अब दोस्तों देखना तो यह होगा कि सूरत भरजाटिया आपकी बार क्या कमाल दिखाते हैं। वैसे दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताएं।